अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। जिस टॉपिक पर हमारी आज पहले के बाद मैं आपको बता चलूँ, मैं पिप्स मैटर से हूँ। हम ई बुक्स हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर आके हमारे से हेल्प ले सकते हैं। हमारा फेसबुक पर जो है वो पिप्स मैटर है नाम से पेज है, टेलीग्राम पर पिप्स मैटर के नाम से चैनल भी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हमने अपने ट्रेनिंग करनी है, वो है मेटाट्रेडर फोल्ड। मेटाट्रेडर फोल्ड के कुछ हिडन सीक्रेट्स, कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसकी फुल बेस ट्रेनिंग दूंगा आपको कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। एमटी फोल्ड मेटाट्रेडर फोल्ड है जिसकी मदद से आप बाइंग और सेलिंग की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है फॉरेक्स मार्केट में। ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है। मैं आपको तो इसकी हिडन पॉइंट्स बताऊंगा कि इसको किस तरह से इजी ऑटो यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसे कोई भी ब्रोकर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें मैं हैंडटेड ग्लोबल से हूँ, आप एडसम या कोई भी ऐसा वैसा जो यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी वेबसाइट पर जाऊँगा, इसकी वेबसाइट पर आया मैं, यहाँ से मैं MT4 डाउनलोड करूँगा। प्लेटफॉर्म्स इनके इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ अपने जो ऑप्शन आ रही होगी। अच्छा, दो मेथड हैं, एक तो मैं यहाँ से डेट डाउनलोड कर लूँ MT4, या मैं डेमो अकाउंट बना लूँ। दोनों तरह से वो मेरे टर्मिनल में मेरी लिंक वेबसाइट पर लिंक आ जाता है और उसके थ्रू डाउनलोड हो जाता है। अभी हम इसे डाउनलोड होने दे रहे हैं, ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो ये इसे मैं आज बताऊंगा आपको कि इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस तरह से हमने इसमें अपनी जो ट्रेड्स हैं वो करनी है। ये डाउनलोड हो गया है मेरे हिसाब से, ये डाउनलोड हो गया है। फेसबुक पर जो हमारा पेज है, आप लिखे हैं facebook.com/pipsmatter.pt1, तो ये आपके पास शो हो जाएगा। ये फेसबुक पे हमारा पेज है, इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे अपडेट्स देते हैं, इसमें हमारी चार्ट्स भी होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको सिग्नल्स भी मिल जाते हैं, आपकी लर्निंग भी होती रहती है साथ साथ। तो हर तरह से इसमें आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं। ये हमारा ऐसे ये डाउन ओपन होता है, इसे मैं इसमें डेमो टाउन बना रहा हूँ। ये हमारा फेस पेज है, ये देखिए आपको सारी लर्निंग मिल रही है, नीचे वीडियोस भी आ रही हैं जो हमने पहले पोस्ट की हुई हैं, उसके अलावा हमारे चार्ट्स भी आते हैं यहाँ पर, देखिए वीडियोज हैं, ये चार्ट्स हैं। अच्छा, ये MT4 ऐसे ओपन होता है, ये आपको ऐसे मैसी मैसी सा नज़र आएगा। मैं आपको बताऊँगा इसे साफ किस तरह आना है, इसे किस तरह से आपने शेप में लेके आना है। सबसे पहले तो मैं इसे इस पर क्लिक करूँगा और इसे बंद कर दूँगा, सब को ईच एंड एवरी। इसे मैं थोड़ा सा ओपन दूँगा ताकि मुझे पीयर्स नज़र आएँ सारे। इसमें आप हाई एंड लो, यहाँ पर राइट क्लिक करके हाई एंड लो ऐड कर सकते हैं, अरे आप चाहें तो। ये देखें, ये हाई एंड लो यहाँ पर ऐड हो गया। इसे हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये नेविगेटर है, यहाँ पर आपके अकाउंट्स
यहाँ पर बताता है कौन से ब्रोकर का है और किस तरह से है। यहाँ पर इंडिकेटर्स आते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइजर्स ये ओपन आइडेंटिटी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड पर आएंगे तो आपको बताया इतना आपका बैलेंस है डेमो टाओ एक्स एक्स वाई जी। तो सबसे पहले हम इसे शुरू से शुरू करते हैं। हम फाइल पर आएंगे, फाइल पर बताता है न्यू चार्ट। हम न्यू चार्ट ओपन कर सकते हैं यूरो यूएसडी का। अभी थोड़ा सा मैसी है, इसे साफ में दो मेथड हैं। आप राइट क्लिक करें, डिलीट, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं ये साफ हो जाएंगे। या आप कंट्रोल प्लस जी से भी साफ कर सकते हैं। इसे कैंडल स्टिक चार्ट पर लाएं और आप प्लस करेंगे तो ये आपके जो बॉर्डर है उससे आपको शिफ्ट करता है थोड़ा सा बैकवर्ड। जैसे ये देखें, ये इसलिए होता है ताकि आप तो आगे फ्यूचर नजर आ सके। और ये जो स्ट्रोल द चार्ट एट द एंड ऑफ, ये आपने जब पीछे मार्केट में देखना है उसके बैकवर्ड देखना है, तब इस पर क्लिक करेंगे मार्केट बिल्कुल आगे नहीं आएगी। ये देखें आप यहाँ पर आ रही है। तो ये चार्ट है, इससे मैं बताता हूँ चार्ट को कैसे बनाना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल, इसमें न्यू चार्ट है, ओपन ऑफलाइन है, ओपन डिलीटेड है। पर फाइल्स में क्या होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट पर फाइल्स होती हैं, जैसे ब्रिटिश पाउंड की है वो ऐसे है, और कोई और जैसे मार्केट ओवरव्यू है उसकी पर फाइल ऐसे है। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पर हमने ये किया है। हम क्या इस चार्ट में अपनी एक पर फाइल बनाते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैं यहाँ से डिफरेंट स्कीम भी कर सकता हूँ, ये है ब्लैक ऑन वाइट, ग्रीन ऑन ब्लैक जो ऑलरेडी चल रही है, येलो ऑन ब्लैक, जैसे ये देखें। इसके अलावा मैं अपनी भी बना सकता हूँ, लाइट मैंने इसी तरह दिया, ये लाइम टल है, बैड डाउन किया मैंने ब्लैक। अब मैंने बार अप, जो अप की कैंडल थी उससे मैंने कर दिया है रेड, और जो बार डाउन है एक बार अप मैंने की लाइम या स्पिन ग्रीन, ये जो भी आप चूज करना चाहें, ये लाइम ग्रीन कर दिया मैंने। जो बुल कैंडल थी उससे भी मैंने एक लाइम ग्रीन कर दिया, जो बियर कैंडल थी उससे मैंने कर दिया है रेड। लाइन ग्राफ तो मैं येलो भी कर सकता हूँ, ब्लैक भी कर सकता हूँ, ये एट पर चार्ट बन गया है, ठीक है। ये देखें, ये दफ़ा दोबारा देख लें आप, अरे अभी इसे वाइट करेंगे तो एक हफ्ते थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देता। ये देखें ना, जैसे यहाँ पर ये आ रही है, तो इस वजह से इसे आपने ब्लैक कर देना है। लाइन ग्राफ क्योंकि ये कैंडल से जो लाइंस हैं उन तो बारे में बताने के लिए आता है। ये देखें, ये एक्चुअली आप तो इसने एक पूरा हमने चार सेट कर लिया है। अब ये एक प्रोफाइल है, इसे आप करेंगे सेव एस, इसे आप अपने नाम से सेव कर लें या किसी भी नाम से सेव कर लें, जैसे योर यूएसडी नाम से, योर यूएसडी 60 में से आईबीएम नाम से सेव कर लेता हूँ। तो ये एक प्रोफाइल जो है ना मेरे नाम से सेव होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप एक इसे ना सेव टेम्पलेट, इसे सेव कर लें अपने पास। ये देखें, यहाँ पर लिखना मैं IBM, ठीक है। अब मैं जब भी मैं कोई भी चार्ट ओपन करता हूँ, लाइट मैंने GBP USD का ओपन किया है, तो मैं इस पर जाऊँगा, ऑटोमेटिकली मुझे हुडी जो मेरा चार्ट स्नेरियो है वो मुझे बता देगा ऑटोमेटिक। कोई भी चार्ट होगा, लाइट मैं इस पर जाता हूँ तो ये मुझे IBM के नाम से सेव कर देगा। ये मीन एक हमारा चार्ट सेट हो गया है, अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद ये ओपन डेटा फोल्डर है, ये यूज़ होता है जब आप इसमें ओपन डेटा फोल्डर करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। इसमें MQL है जिसमें आप इंडिकेटर्स, टेम्पलेट्स, लाइब्रेरीज, टेम्पलेट्स ये सब अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ओपन एन अकाउंट, डेमो अकाउंट ओपन के लिए या तो लॉगिन करने के लिए ट्रेड अकाउंट, यहाँ पर लॉगिन करके सर्वर ऐड करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट सेटअप है, प्रिंट प्रीव्यू है, ये एक्चुअली इसके प्रिंट के लिए यूज़ होता है, लाइट डिस जो मोस्टली पीपल आपने देखा होता है ऐसे चार्ज शेयर करते हैं जो कॉपी पेस्ट नहीं होते,
एक्चुअली प्रीव्यू करते हैं, इसे प्रिंट कर लेते हैं और फिर वो और बार इसे पीडीएफ में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसी भी तरह से अपने पास सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्यू में। व्यू पर लैंग्वेजेस हैं, आप अपने मुताबिक कोई भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। टूल बार है, टूल बार में डिफरेंट टूल बार आते हैं, आप कस्टमाइज करेंगे। ये देखिए ऑटो ट्रेडिंग यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इनसे इनमें। उसके बाद सिंबल्स हैं, सिंबल्स हाँ आपको बताते चलो, इसमें वो सब सिंबल्स शो होते हैं जो हमारे यूज होते हैं, लाइक यूएस 100। मैं इसे यहाँ से शो करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यूएस 100 आ गया। तो सिंबल्स सिंबल्स से होती हैं, और दूसरा मेथड सिंबल्स के लिए ये भी है, आप इसमें जाएंगे यहाँ पर सिंबल्स आ रहे होते हैं, तो ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। उसमें मार्केट वॉच, मार्केट डेट बटन लाइन किस, ये भी बटन है मार्केट वॉच का, यहाँ से कर लें वहाँ से कर लें। उसके बाद आता है नेविगेटर, नेविगेटर लाइव किस के आपने जो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो ये नेविगेटर। उसके बाद ये आता है टर्मिनल, टर्मिनल का नीचे वाला हिस्सा, मतलब ये आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, यहाँ पर आपका बैलेंस शो होता है, जिस चीज़ का टर्मिनल। ये स्ट्रेटजी टेस्टर है, अगर आपके मूविंग एवरेजेज आते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका ईए वगैरह है उसे टेस्ट करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं टेस्टर। ये न्यू ऑर्डर है, अब न्यू ऑर्डर प्लेस करना है, आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं या आप यहाँ पर जाते इसे बाय और सेल कर सकते हैं। एक्चुअली मार्केट अभी बंद है तो वो लॉस शॉर्ट आ रहा है इसलिए। तो सिंबल्स ये चार्ट्स हैं, चैट हैं, ये चैट आपके एक्चुअली एम टू एल फोर पर ले जाती है, जैसे एक मेटाट्रेडर फोर है ऐसे एम टू एल फोर है, दोनों चीज़ें टर्मिनल के लिए यूज़ होती हैं, ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन एम टी फोर ईजी टू एनालाइज द चार्ट है, और एम टी फाइव के अपने इसमें यूज हैं, ये फुल स्क्रीन है, ठीक है। आप स्टेप्ड बाइंड या स्टेबिलिटी हर टर्मिनल ऐसा नहीं करता, कुछ टर्मिनल स्टेप से कर देते हैं, कुछ टर्मिनल ये आप तो एफ अलेवन या दोबारा एफ अलेवन शॉर्टी है, या फिर आप तो दोबारा मतलब व्यू पर जाते आना पड़ता है। इंसर्ट, इंसर्ट में इंडिकेटर्स आते हैं, देखते हैं ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, बुलिंजर बैंड यहाँ पर मैं सेट कर दूँ, ये बुलिंजर बैंड आ गया, मैं इंडिकेटर मूविंग एवरेज सेट करता हूँ, मूविंग एवरेज के इसमें कोई भी लाइट मैंने 50 की सेट की है वॉल्यूम के साथ, 50 की मूविंग एवरेज आती है। अगर मैंने रिमूव करना है तो इंडिकेटर, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इंडिकेटर लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसे डिलीट कर दूँगा, लाइक दिस, ये मूविंग एवरेज डिलीट हो रही है। तो इंसर्ट में सारी चीज़ें आती हैं, इसमें लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, और उसके बाद लाइन्स वर्टिकल लाइन्स हैं। ये एक और मज़े की चीज़ है, अब इस लाइन को मैंने दया करना है 108.60 पर, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसे उठाते हैं यहाँ पर ले आऊँगा। अरे ये फिर भी 060 पर नहीं आ रहा, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, पैरामीटर्स में आऊँगा, और यहाँ पर लिखूँगा 108.060, ये एग्जैक्ट 060 पर आ जाएगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम इज ये आपके इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी पैरामीटर्स हैं, ये मैं लाना चाहता हूँ 8 बजे, मैं देखना चाहता हूँ 8 बजे की कैंडल कौन सी है, तो मैं इस पर 8 लिखूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे आउट आ जाता है 8 बजे कैंडल ये है। मतलब ये एक ईजी मैथड है, आप अरे आप तो एग्जैक्ट आपको नहीं पता चल रहा, आप 8 बजे जाना चाह रहे हैं, 9:30 बजे आना चाह रहे हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर लिखें 8:30, ये आप एग्जैक्ट 8:30 की कैंडल पर ले लेना, ये बहुत इजी मेथड है, बहुत लोग ये नहीं पता या नहीं कर पाते, तो ये एक इजी मेथड है दोनों से। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। एरोज हैं, ये थंब आपके लिए होता है चार्ट के ऊपर, लाइट दिस, आप इसे एरो बताते हैं, यार ये आपके लिए है, लाइट के लिए है, किस तरह से है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एरो की। इसमें आप पैरामीटर्स इसके थोड़े बढ़ कर सकते हैं, एरो कोड वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से शेप्स हैं,
एरोज हैं इनके मैं आप तभी इस्तेमाल करता हूँ, ये बाहर भी हैं, ये साइकिल लाइंस हैं, ये साइकिलिंग के इस्तेमाल की है लाइट कैंडल्स के ऊपर, हर कैंडल तो कैंडल एक कैंडल से दूसरी कैंडल में डिफेंड करना हो तो लाइट दिस, ये हर एक कैंडल तो इंडिविजुअली इसने अपने अपने कवर कर लिया है, इन्हें से हर कैंडल इस लाइन के अंदर आई थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, टेस्ट है। अगर चार्ट पर कुछ लिखना हो लाइक दिस तो ये चार्ट पर लिखा जाता है, चार्ट्स हैं, चार्ट्स में आपकी बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, चार्ट तीन तरह के होते हैं, एक बार चार्ट है जो मोस्टली इस्तेमाल वीएसए लोग इस्तेमाल करते हैं, एक कैंडल स्टिक चार्ट है जो जापानीज कैंडल स्टिक में यूज होता है, एक लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट इस लाइन ये स्पॉट है जिसमें सपोर्ट ले ली आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद जूम इन जूम आउट, ये चार्ट तो जूम आउट करने के लिए, ये जूम इन करने के लिए है, ये डिफरेंट विंडोज मतलब मल्टीपल चार्ट से विंडोज ओपन करने के लिए लाइक दिस, और ये एक इंडिकेटर लिस्ट है जो बिल्ट इन इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा भी इंडिकेटर हमने कैसे अपलोड करना है। इसके अलावा ये एरो टी है, ये कर्सर होता है लाइट, मैंने पिप्स देखने हैं कि मार्केट यहाँ से कितने पिप्स नीचे आई है, लाइक दिस 479 पॉइंट्स मतलब 47 पिप्स मार्केट ने वहाँ से 47 पिप्स मूव किया है, ये लाइन है एज यूजुअल लाइक दिस, अब मैं आपको बता सकता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ में, ये टेंड लाइन है, टेंड लाइन मैंने ड्रा थी यहाँ पर, अब ये एग्जैक्ट ड्रा नहीं हो रही, मार्केट अभी नीचे नहीं थी या कुछ भी मसला आ रहा है, तो एक टेंड लाइन तो ड्रा करने का ईजी मैथड एक ये भी है जहाँ मैं टेंड लाइन ड्रा थी, अब एक और मैथड है आप इस टेंड लाइन को रेल आ सकते हैं, मतलब इसकी डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, पैरामीटर्स में आएँ, इसे अनचेक करें कि टेंड लाइन छोटी हो जाएगी, आप भी इससे इजीली ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ये चीज़ मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, अपने चिराउन आई तो आप इस पर कुछ भी अपनी अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, अब मैं दोबारा जब इस टेंड लाइन को पटूंगा तो मुझे वो रे ट्रेड में दे दी, ये टेंड लाइन रे ही आई थी, मैं अपने लिहाज से इसे मूव कर सकता हूँ लाइक दिस, तो ये इसे आप रे भी कर सकते हैं और आप पैरामीटर्स से इसे दोबारा रे पर अनचेक करके इसे दूसरी तरह भी कर सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। इसके अलावा इसे आप डॉटेड लाइन में भी ला सकते हैं, इसे आप डार्क भी कर सकते हैं लाइक दिस, डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट तरह से टैलेंट को ड्रा करने के लिए। उसके बाद ये चैनल से ड्रा करने के लिए होता है लाइट, कोई भी आप तो चैनल बन रहे हैं, यहाँ पर तो चैनल बन नहीं रहा तो अगर चैनल तो बनाना है तो चैनल तो ड्रा करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, इसमें चैनल आ जाता है। उसके अलावा फिबोनाची, आपको पता है फिबोनाची एक रिटेस्टमेंट टूल है, ये बड़ा इजी वे है मार्केट की रिटेस्टमेंट देखने के लिए, तो फिबोनाची इसे हम थोड़ा सा ड्रा करना भी देख लेते हैं, एमटी फोर में इसे लेवल भी ऐड करना देख लेते हैं, लेवल कैसे ऐड करने हैं, कलर कैसे चेंज करना है, स्लाइड दिस ने फिबोनाची पता, ये मैंने ड्रा किया, ये अभी येलो में है, ये मेरे चार्ट के कलर के साथ मैच नहीं कर रहा, इस पर मैं राइट क्लिक करके फिबो प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो ब्लैक में करूंगा, मैं ओके पर क्लिक करूंगा, तो ये फिबोनाची ड्रा हो गया, ये अभी इसमें 0, 23, 38, 50, 61, 100 के लेवल्स हैं, इसमें मैं एक नया लेवल ऐड करता हूँ, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़, मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं 7.8, यहाँ पर लिखूँगा मैं आई मीन अभी मैंने ऐड करना है 78 का 78.0 अब मैं वो साइन लाना बोल दिया हूँ, वो 70.7 ये 78 लेवल ऐड हो गया, इसी टाइम यहाँ पर लोड 120 लेवल ऐड करते हैं, एक और हम लेवल ऐड कर लेते हैं लाइक 123rd सपोज 1.23 सपोज लाइक दिस 1.23 123.0 तो ये 123 का लेवल भी ऐड हो गया इसमें, ऐसे हम
जितने भी लेवल्स चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। ये मार्केट की ट्रेसमेंट का टूल है, सपोज बताता है कि हम जीरो से 23 तक मार्केट जा सकती है, 38 तक, जो डिफरेंट लेवल यूज़ होते हैं उन लेवल्स का बताता है मार्केट के बारे में। तो फिबोनाची इसमें हम इससे कलर चेंज करें जैसे मर्जी, मैंने आपको पहले बताया, इसे आपने रिमूव करना है। आप राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाएं, यहां पर जाते इसे रिमूव कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन मैंने रिमूव कर दी, फिबोनाची मैंने लाइट से रिमूव कर दिया। तो ये फिबोनाची एक बहुत अच्छी टूल है इसमें। उसके अलावा ये ए लिखना हो, दया करना हो टेस्ट, ये एरोज हैं यहाँ पर, ये मिनट्स हैं, मतलब टाइम फ्रेम, 1 मिनट का चार्ट, M5 5 मिनट का चार्ट, M15 15 मिनट, M30 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, D1, वीकली और मंथली। इसमें एक और अच्छी चीज़ है, आप इस पर आएँ, यहाँ पर राइट क्लिक करें कस्टमाइज पर, और इसमें से कुछ भी जो आप चाहें वो आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक दिस इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, वो यहाँ पर आ जाएगा। लाइक ये ड्रा इमेज, ये आपने किसी जोन को ड्रा करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये जोन बनाया है, ये एक जोन है, ये इसकी रेंज है मार्केट की, अगर मार्केट इस रेंज में आती है तो वो रेंज ब्रेक कर सकती जा सकती है। मैंने अपने लिए ड्रा किया, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया क्योंकि कलर थोड़ा लाइट है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कलर का। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसे कुछ और कलर दे देता हूँ लाइट किस, ये बहुत डार्क है, मैं इसकी लाइट है सॉरी, तो मैं ये थोड़ा अच्छा कलर है, मैंने ये रेंज की है, इसे मैं छोटे से छोटा भी कर सकता हूँ इतना लाइट किस मेंशन करने के लिए। और इसे मैंने ट्रिक पैटर्न बनाया है, तो मैं इसे 1 2 3 लाइट दिस, आप जैसे देखा हो रहा बहुत से लोड, इससे हम बस 8 दफ़ा सेट करना है, ये हुडी सेट हो जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न सेट करते हैं, जिसमें जैसे बैड पैटर्न हारमोनिक में यूज़ करते हैं, तो ऐसे पैटर्न तैयार करते हैं। ये एक्चुअली कोई पैटर्न नहीं है, ये एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, तो इसलिए यूज़ होता है। इसे आप उठा के यहाँ पर भी लेके जा सकते हैं और इनर लाइन यहाँ भी ला सकते हैं। ये MT4 का ऊपर वाला सारा पोर्शन था जिसे हम नेविगेशन में, जिसमें हमने नेवी टर्मिनल देखा, नेविगेटर देखा, डेटा विंडो एक ऐसी विंडो है जहाँ पर ये आप तो बता रहा है, तो ये चार्ट की डेट थी मंथली, उसमें H1 पर आया, तो इसने अभी बताया 6:28 से कैंडल है मेरी इसके ऊपर। मैं जैसे इसे इस पर मूव करूँगा ये यहाँ पर हाई लो लेके आएगा, मतलब मैंने कैंडल का हाई लो देखना है। एक तो मैं इस कैंडल के ऊपर जाऊँगा, मुझे ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम बताएगा, एक तो मैटर ये है। अरे ये आप तो नहीं बता रहा, सपोज मैं इस कैंडल पर आया हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि यार मैं इसका हाई लो कैसे देखूँ। मुझे एक्चुअली जो बुलिश होती है उसका हाई लो ऊपर से पता चलता है, जो बैरिश होती है उसे नीचे से पता चलता है यहाँ से हाई लो। तो मैंने यहाँ से देखा है, मुझे हाई लो पता चल दिया, जो मुझे नहीं पता चला तो मैं डाटा विंडो में देख लूँगा। सपोज मैं इस कैंडल पर आया हूँ, इस पर मैंने एरो लाया हूँ, तो मुझे डाटा विंडो में इसका हाई, ओपन टाइम, लो, क्लोज और वॉल्यूम बता रहा है। इसका वॉल्यूम 3.47 था, राइट, ये 3.47 वॉल्यूम की कैंडल थी जो ये है। अब एक्चुअली हम इस कैंडल पर आएँ और ये देखते हैं, इसका हाई लो वही है जो डाटा विंडो में शो हो रहा है, सेम एज सेम वॉल्यूम 3.4 लेवल वही डाटा विंडो में, तो डाटा विंडो एक्यूरेट डाटा देती है अबाउट दिस। ये नीचे टर्मिनल है, नेविगेटर है उसका, ये स्टैटिक चार्ट है, इस पर सिर्फ ये आप जब मार्केट मूव करिए इस पर बताता है मार्केट ऐसे मूव करिए, ये XYZ सिंबल्स हैं। नेविगेटर है, नेविगेटर में अकाउंट्स आते हैं, आप जितने भी अकाउंट्स होते हैं यहाँ पर। इंडिकेटर है, इंडिकेटर कोई भी अगर आपने चार्ट पर अपलोड करना है तो आप इसे यहाँ से उठाते डायरेक्ट आएंगे चार्ट पर, कॉमन में जाते हैं, आप अलाउ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर इनकी डेप्थ, अगर आपको ये सब चेंज करना आता है तो आप कर सकते हैं। ZZ ये इंडिकेटर है, ये मार्केट की जोन और मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा RSI है, अलाओ
इनपुट आप देख रहे हैं, जब कुछ यूज़ करना चाहते हैं, पैरामीटर्स लगाना चाहते हैं तो ये देखें, आर एस सिमेट्री लेवल ऐड करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें, जैसे इसकी प्रॉपर्टी ओपन करें, आप इसमें लेवल ऐड कर सकते हैं। लाइट मैंने एक 50 का लेवल ऐड करना है मिडल के लिए, तो ये 50 का लेवल भी ऐड हो गया बीच में, इसे डबल क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टी दोबारा ओपन की, मैंने 80 का लेवल ऐड करना है तो मैंने 80 का लेवल ऐड कर लिया, मार्केट मैक्सिमम 80 तक जाती है। अरे मैंने देखना है वैसे पॉइंट्स, तो मैं यहाँ से नीचे आऊँगा, मुझे बताया मार्केट यहाँ पर 13 पॉइंट नीचे आई है, मतलब मार्केट बहुत ओवरसोल्ड होती है, दोबारा ऊपर जाने वाली थी, तो मैं जितने भी लेवल ऐड करना हूँ 50 का लेवल लोड इसलिए ऐड करते हैं जब मार्केट मोस्टली आर एस एम ए 50 से वर्स होती है। लाइट उसने 30 तो टच किया, 50 तक गई और मार्केट वापस की 30 तक आ गई, फिर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये 50 तक ही रही है, मैक्सिमम 55 तक रही है, फिर नीचे ही है, यहाँ पर मार्केट सेम लेवल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप कोई भी लेवल ऐड करना चाहें इसके अंदर, तो ये डिलीट इंडिकेटर विंडो है, इसे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो विंडो आ रहा है, जो आपका इंडिकेटर है, ये डिलीट हो जाता है लाइक दिस, ये इंडिकेटर डिलीट हो गया आपका। आर एस ई अच्छा टूल है, अरे आपको इजी कंडीशन आता हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, आपने कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर चार्ट पर लगाया है, उसके बाद आप तो ये बटन ऑन करना पड़ता है ऑटो ट्रेडिंग, ये खुद और सिस्टम आपका ऑन होना चाहिए, ये खुद ब खुद ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर। अगर मैंने कोई नया इंडिकेटर अपलोड करना है तो मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन डाटा फोल्डर में आऊँगा, ओपन डाटा फोल्डर में आऊँगा तो मेरे पास खुद ही लाइट में आप मैं सारे फोल्डर बंद कर लूँ, मैंने ओपन डाटा फोल्डर में दिया हूँ, एक फोल्डर ओपन हुआ, मैं MQL फोर्ड में आया, मैं इंडिकेटर्स में आया, यहाँ पे मैं इंडिकेटर अपलोड करूँगा जो मेरे पास पड़े हुए हैं सिस्टम में, बस इंडिकेटर पड़ा हुआ है एशियन ब्रेक आउट, मैंने इंडिकेटर यहाँ से कॉपी किया, ये सब मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये टेम्पलेट है, सॉरी फॉर दैट, बहुत ही इंडिकेटर है एक्सलेंट टीपी वैल्यू, मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से, तो मैं अपने इस फोल्डर में आया, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। दो मेथड हैं यहाँ पर, अभी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर भी इंडिकेटर नहीं आ रहा, या तो मैं MT4 दोबारा क्लोज करके बंद करूँ, या मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश करूँ, क्योंकि एक दफ़ा सब रिफ्रेश करेगा और ये फोल्डर से डाटा उठा लेगा, अगर मैंने कोई डाटा फोल्डर में नहीं डाला है तो ये ऑटो उठाएगा, लाइक दिस SLTP आ गया, मैं इस तो इस पर लेते आऊँगा, मैंने यहाँ पर कोई चेंजेस करनी होंगी तो मैं चेंजेस करूँगा, वरना मैं इसे ओटी कर दूँगा, ये मुझे SLTP की वैल्यूज बताएगा, जैसे इंडिया से जीत रहेगा, अगर मैं SLTP ले डालता हूँ तो मुझे पिप्स बता देता है इतने पिप्स पर SLTP लगेगा, तो दिस इज़ लाइक MT4, इसकी ओवरऑल कुछ हिडन एट ये भी पॉइंट है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएँ और कॉमन में आएँ तो आप देखेंगे आस्ट लाइन, यहाँ पर आप आस्ट लाइन शो करेंगे तो ये आपको आस्ट ये लाइन बताएगा, अभी ये प्राइस है लाइट यूरो USDT 1.2254, तो ये आस्ट प्राइस भी आपको बताएगा, आस्ट प्राइस मोस्टली जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, मतलब तो बाई करेंगे बिड और आस्ट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको तो और बता दूँ,
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है स्प्रेड. कुछ लोग पूछते हैं यार ब्रोकर का स्प्रेड कितना होगा, इस ब्रोकर स्प्रेड ज़्यादा है तो मैं क्या है कैसे है किस तरह से है, तो उन्हें चाहिए वो किसी और से इंफॉर्मेशन ना लें, खुद जाते हैं MT4 डाउनलोड करें. इन दोनों दो मेथड है स्प्रेड के भी. यहाँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ये मुझे स्प्रेड बता देगा इन 19 पॉइंट्स है, मतलब 1.9 पिप इसे स्प्रेड है. ठीक है, दूसरा मेथड मेरे पास क्या है कि मैं बिड और आस्क को माइनस कर दो, 1.12252 प्लस 1.12271 ये 19 आ रहा है, ये इसका स्प्रेड है. ठीक है, मतलब बिड और आस्क का जो डिफरेंस है वो भी स्प्रेड है, यहाँ पर भी स्प्रेड है. तो आपने किसी से पूछने से अच्छा है अपना जाते ये यहाँ पर देखें स्प्रेड क्या है, वो आपको स्प्रेड बता देगा. ये कैंडल का टाइम बता रहा है, MT4 का टाइम बता रहा है, इतने बजे मार्केट बंद हुई है, ये सबसे ईजी वे है स्प्रेड का. जब भी आप राइट क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन मिलती हैं, टेम्पलेट है, जूम इन जूम आउट की ऑप्शन हैं. अब मैं आपको बताता हूँ एक टेम्पलेट ऐसे बनानी है, मतलब आप अपनी भी टेम्पलेट बना सकते हैं अपना भी. जैसे चार्ट जैसे आपने सेट किया, मैंने एक नया चार्ट ओपन किया USDJPY था, मैं यहाँ पर आया, जो मैंने पहले जिस तरह से मैंने चार्ट बनाया था मैंने दोबारा बनाया है, इसे मैंने इसे रिफ्रेश किया है. अब मैं इस पर एक टेम्पलेट बना दे रहा हूँ. टेम्पलेट में सबसे पहले मैंने एक मूविंग एवरेज डाली, मैंने 50 की मूविंग एवरेज डाल दी, सॉरी RSI MFE उठा ली है, सॉरी मैंने 50 की मूविंग एवरेज डाल दी. ओह ये चार्ट नहीं उठा रहा, वो उस वजह से थे जैसे सेटिंग. मैं अपने MT40 सेटिंग से ही कर लूँ, ये तुम दीजिए ना मुझे. वो मूविंग एवरेज था वो मोमेंटम उठा रहा था, अब मैंने मूविंग एवरेज डाली है, इसने पूछा है 50 लेवल है क्या है, तो मैंने 50 लेवल पे पीएटी मूविंग एवरेज डाल दी. एक्चुअली ये मूविंग एवरेज तो इसमें डाल दी है, मैं टेम्पलेट बना रहा था तो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 7 पैराबोलिक SAR. मैंने पैराबोलिक SAR डाला यहाँ पे, मैं ब्लैक चार्ट डालता हूँ. टेलेक्स का हमने ब्लैक किया, थोड़े से लाइट कर लिए हैं, ये ऐसे हो गया है मूविंग एवरेज का. नीचे मैं इसी CCI या RSI डाल देता हूँ पुट, इसमें तो RSI से मुझे पता चलता है एडा इसमें क्या रेलिवेंट सेकेंड इंडेक्स, ये है RSI, इसके लेवल 30-70 के हैं, मैं 8 लेवल 50 का भी बीच में ऐड कर लेता हूँ. तो विजुलेशन यही है, पैरामीटर सही हैं, ये भी मैं ब्लैक में रखता हूँ. ठीक है, ये 8 RSI ऐड हो रही है नीचे, इसमें मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा. ये 8 टेम्पलेट मैंने अपने लिए बनाई है, इस पर मैं सेव करूँगा, लिखूँगा IBM या पिप्स मैटर टेम्पलेट. ये टेम्पलेट है, मैं किसी भी चार्ट पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर जब पिप्स मैटर टेम्पलेट आ रही है उस पर क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक टेम्पलेट आ जाएगी मेरे पास. मैंने एक लोड पर दिया हूँ जैसे इजी मैटर है, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और इसे मैंने अपने पास भी सेव कर लिया है डाउनलोड्स में, ताकि अगर कोई मुझसे कहता है यार तुम्हारे पास वाई पी टैम्पलेट बनी हुई है जो तुम यूज़ करते हो, मैं अगर किसी ईजी स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ ना, मैं सीखूँगा यार ये टैम्पलेट है, ये मैंने खुद बनाई है, ये टैम्पलेट आप भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ईजी. आप कोई और भी टैम्पलेट बना सकते हैं, लाइक के मैंने तो टैम्पलेट बनानी है किसी और इंडिकेटर्स और सबको मिला मलूट आपस में, तो मैंने बियर्स एंड बुल्स पावर डाल दिया, ये CCI डाल ली मैंने, लाइक मैंने अभी हम इच्छी मोचो के सारे बना लेते हैं. ठीक है, जैसे ये इच्छी मोचो है, इतनी ये बहुत लाइट आ रहा है, मैं इसे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये इजीली डिजायरेबल हो.
जो इसी है वो मैं ब्लैक कर लेता हूँ, जो इसी है ये ऐसे चैप्टर को मैं इसी भी मैंने अच्छे से ब्लैक कर लिया। मेरे चार्ट के साथ बहुत तंग चीज़ें मिल चुकी हैं, ये लाइट डिस थोड़ा स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है। ग्रीन लाइम को जो है मैं राइट क्लिक करते इस पर डबल क्लिक करना पड़ता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा जाता है। इंडिकेटर्स में चले जाएँ, यहाँ से एडिट में आ जाते हैं। लाइम टो भी मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लू टो ब्लू रहने देते हैं, लाइक दिस। ये इची मोटर मैंने डाल लिया, इसके साथ मैं दो तीन चीज़ें और ऐड करके अच्छी सी मैं बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट्स में लाइन्स में साथ में वॉल्यूम ऐड कर लेता हूँ, ग्रीन रेड इट्स कूल मैन, ये सही वॉल्यूम्स हैं। इसमें हम लेवल पर भी नहीं ऐड करना, ये वॉल्यूम ऐड होती है। इससे सेव करके मैं एक टेम्पलेट बना सकता हूँ, यहाँ से जाऊँगा सेव करूँगा VSA इच्छी टेम्पलेट, ये VSA इच्छी है। जब आऊँगा ये VSA इच्छी आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, ये टेम्पलेट शो कर देगा। ये तो इसी भी चार्ट पे आपको इजीली शो कर दे, लाइट में यूरो यूएसडी में आया ये ऐसे अच्छी। तो ये टेम्पलेट बनाने का बहुत इजी मेथड है, या आप डिफरेंट टर्म्स में बना सकते हैं। आप खुद की जो आप मैं यहाँ से इंडिकेटर्स उठाता हूँ, या मेरे पास यहाँ पर इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं कोई भी, मैं उनके साथ भी मिलाते इस टेम्पलेट को बना सकता हूँ। इस टेम्पलेट को आप बनाते सेव करते आप इस पर रख सकते हैं, ये बहुत ईजी वे बताता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में आए, सपोज ये चार्ट हैं, ये मैं सिंपल चार्ट रखता हूँ, इस पर मैं दोबारा आऊँगा, मैं IBM पर आऊँगा तो ये सिंपल चार्ट आ गया। मैं प्रॉपर्टीज़ में आया, कॉमन में गया, मैं आपसे बताया था आस्टलाइन था, हमने आस्टलाइन ऐड की है, ये आस्टलाइन आप यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लाइन चार्ट में बता चुका हूँ, वॉल्यूम्स देता है। एक्चुअली एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था, ऑफलाइन चार्ट एंड चार्ज फॉर डाउन, ये चार्ज फॉर डाउन और ऑफलाइन चार्ट, या आपको ऑफलाइन चार्ट भी बताया रहा लाइक दिस। अभी मुझे ऑफलाइन शो कर रहा है हर चीज़, इसमें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे टाइम शो करेगा। अब प्रॉपर्टीज़ में दोबारा आऊँगा, मैं स्केल या फिक्स करूँगा तो ये मैं चार्ट ऊपर लेके जा सकता हूँ। मैंने मतलब यहाँ पर फिबोनाची पैटर्न ड्रा करना है चार्ट के ऊपर, तो मैं वो ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसे उठा के ड्रा कर लिया, अब मैं चार्ट पर नीचे ला सकता हूँ, चार्ट ऊपर है मेरा, मैं अपने मुताबिक इसे फील कर सकता हूँ। मैं इसलिए देखना चाह रहा था चार्ट नीचे जितनी इसकी वैल्यूज है मैक्सिमम, देखिए मैं चार्ट को ऊपर जा सकता हूँ, मैंने सिर्फ चार्ट इतना देखना था लाइक दिस। तो मैंने ये चार्ट को देख लिया है, ये आपने इस पर जब क्लिक करेंगे, अब इस पर तो ये फिक्स मैक्सिमम भी हो जाएगा, ठीक है। एक मैक्सिमम रेशियो तक जाता है ये, अब इससे नीचे नहीं जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेवल दिए होंगे प्रॉपर्टीज़ में, ये उन लेवल्स को उठाता है। जी देखिए यहाँ पे चार बिल्कुल सही शो उठा रहा है। तो एक ये मेथड वाला इजी है। सो ये MT40 बेसिक ट्रेनिंग्स थी, यहाँ पर एक्सपायरी शो होता है, काउंट हिस्ट्री शो होती है। अभी कुछ बाय सेल नहीं करा, बाय सेल भी बहुत ईजी मैथड है, बाय सेल इसी कर सकते हो आप ईजिली। यहाँ पर न्यूज़ आती हैं, यहाँ पर अलर्ट्स आते हैं, यहाँ पर मेल बोर्ड्स है, ये आप तो मैसेजेस बताता है लाइक आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है। वेलकम कह रहा है ये मुझे, मार्केट सिग्नल्स जो भी आते हैं उसके MT40 उसके वो उस लिहाज से सिग्नल्स बताता है किस तरह से है। लाइक मैंने वो मेल बोर्ड पर किया तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखें सिग्नल अरे आपको कहीं से आ रहे हैं। ये मास्टर का बताता है, ये MT40 हैं, देखें इंडिकेटर्स हैं, इससे आप बाय कर सकते हैं, डाउनलोड डेमो कर सकते हैं, जो फ्री में है उन्हें आप फ्री में रख सकते हैं। इसमें आर्टिकल्स आते हैं, ये MT40 छोटी सी ट्रेनिंग थी। एट द एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे फेसबुक का पेज पिप्स मैटर लास्ट में लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप टेलीग्राम पर आएंगे तो टेलीग्राम पर ये हमारा पिप्स मेटर के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसे लाजमी करें।
और कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज़ है, लाजमी इसे रखें और इसे सेव करें। बहुत शुक्रिया आप सब का ट्रेनिंग का। अगेन प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तो और भी मजीद वीडियोज़ मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए सब। अल्लाह हाफिज़।